उस्मान साहब आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। तुम लोग क्या काम करते हो? हम ताजिर हैं। अच्छा, तुम्हारा सामान कहाँ है? वो सोत में है। सोत? हंस क्यों रहे हो? अगर बामसी साहब ने मुझे रोका ना होता तो मैं सूद को आग लगा देता। जब हमने सुना कि आप सरदार बन गए तो फौरन आपसे मिलने आ गए। जीते रहिए, जीते रहिए। मैं आपसे बात करना चाहता था, ये कि आप चीजें खरीदने और बेचने के सिवा कुछ और भी करें। खाइयों के मौजूदा बाजारों के अलावा और कहां चीजें बेच सकते हैं और कहां से कुछ खरीद सकते हैं? हम इसे एक हुक्म के तौर पर कबूल करते हैं हुजूर। दमिश्क से अनकरा तक हम तमाम बाजारों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम कई सामान वहां के बाजारों में बआसानी बेच सकते हैं, जब तक आप चाहें उस्मान साहब। शुक्रिया। लेकिन तिजारत का पहला उसूल यह है उस्मान साहब कि मुफ्त में कोई भी तिजारत नहीं की जाती है। क्या कभी किसी सरदार ने लोगों को उसकी खिदमत करने पर शर्मिंदा किया है? गुस्ताखी हो गई हुजूर, हम माफी चाहते हैं। इसे नहीं पता कि किससे क्या बात करनी है। हर पेशे के अलग तरीके और अलग जुबानें होती हैं। आप वो करें जो आप जानते हैं और हम वो करेंगे जो हम जानते हैं। जैसा आप कहें मेरे हुजूर। इसके लिए हमें एक दुकान की जरूरत होगी ताकि हम अपनी तिजारती सरगर्मियों को फैला सकें। ठीक है, वरान इनके कारोबार का इंतजाम किया जाए और जितना हो सके करो इनके लिए। जैसा आपका हुक्म हुजूर। अल्लाह तिजारत में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। एक अच्छा ताजिर इस तरह की तौहीन कर सकता है जो तुमने की है? उस्मान ये सोचता है। उसने क्या किया? मुझे पानी दो खातून। चलो जल्दी लाओ, जल्दी। तुमने कमान की रस्सी से मेरा गला घोटा और मुझे मौत की धमकी दी।
क्या कहा? उसने आपको मारने की कोशिश की? उसका यही अंजाम होगा। वो मुझसे नफरत करता है, वो चाहता है कि मैं कोई गलती कर बैठूं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं? आप क्या चाहते हैं, ये सरजमीन छोड़ दें? अब हम क्या कर सकते हैं? मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरे बाबा का कबीला है, मेरे बाबा का कबीला है ये। जब वो यहां नहीं थे, मैं यहां था, मैं था यहां, मैं यहीं रुकूंगा और वो जाएंगे यहां से। मेरी गर्दन में रस्सी डाली उसने, और वो साउची और गुंदूस वो सिर्फ तमाशा देखते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उस्मान, उस्मान। इन में से कोई हमारा दोस्त नहीं। हमें कोई भी यहां देखना नहीं चाहता। मैंने आपको बताया नहीं था। हाँ, हमें क्या करना है? हम इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकलेंगे? माफी मांगूंगा अपने भतीजे से। माफी मांगूंगा मैं। दुंदार साहब, कुछ देर पहले आप एक भेड़िए की तरह थे। खैर तो है, हुआ क्या है आपको? इतनी जल्दी बदल गए? खातून, अब से मैं भेड़ की खाल में भेड़िया होऊंगा। कबीले में भेड़ और बाहर भेड़िया। सबसे पहले मैं उस्मान का एतमाद जीतूंगा, और फिर उसी की रस्सी से उसका गला घोंटूंगा। मैं गला घोंटूंगा उसका। तुम बाला के साथ बना कर रखोगी और सलजान खातून से भी नहीं लड़ोगी। कुछ वक्त के लिए तुम इसी तरह पेश आओगी ताकि वो समझे कि अब हम उनकी तरफ हैं और हमें छोड़कर अपने फराइज पर तवज्जो दें। और जब उन्हें हम पर एतबार आ जाएगा तो हम उन्हें अपना रंग दिखाएंगे दोबारा।
हमने आपको दावत दी और आपने उस दावत को कबूल किया। आप सबकी उम्र दराज हो, अल्लाह कभी आप सबकी कमी ना दिखाए। आमीन आमीन। हम दावत जरूर कबूल करेंगे भतीजे, अब से तुम हमारे सरदार हो। अगरचे मैं तुम्हारा बड़ा हूं, तुम्हारी सरदारी कबूल करके इसके मुताबिक काम करना होगा। मैंने एक गलती की, और अब एक सरदार होने के नाते माफ करना तुम पर मुनासिर है। क्या तुम मुझे माफ करते हो? मैंने ये दावत उसी वजह से रखी है चचा। हमारे दरमियान लड़ाइयां और रंजिशें खत्म होनी चाहिए। हर किसी को अपनी हद मालूम होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर कोई मिलजुल कर रहे। चचा, चूंकि आपने माफी मांगी है, वादा करें फिर से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ही आपको माफी मिल सकती है। अब से हम ऐसे ही रातों में इकट्ठे बैठेंगे और मिलकर खाना खाएंगे। और मिलकर क्यों ना बैठे, हम अजीजों अकारब हैं, एक ही खून है, और वो जो नहीं रहे उनकी रूहों को सुकून दे। आप ही बताइए ताईजान, वो जो एक ही दस्तरखान पर बैठते हैं कभी नाराज होते हैं एक दूसरे से? बताइए ताईजान। बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते बेटा। हर तसादुम में एक तौबा करने का मौका है। हर इज्तिमा का मकसद नए आगाज का दरवाजा है। आपने ठीक कहा ताईजान, मैं भी यही सोचता हूं। वजू करते हुए मैं खुद से कहता हूं, नियत ताजा कर ली तुमने, जब तक सामने वाला ना बदल जाए नियत ना बदलना। तुम ठीक कहते हो भाई, अगर हम अपनी नियतों की हिफाजत करेंगे तो
सामने वाले की नियत भी ठीक हो जाएगी। गुंदू साहब, सूफियों का लगता है आपका ये कलाम तो। मेरे भतीजे का दिल दरवेशों जैसा है, अगर कोई इंसान लड़ना भी चाहे तो लड़ नहीं सकता। मेरे भतीजे गुंदूस का दिल पाक और साफ है, ये जो भी कहता है वो सही होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह चाचा जान। हम ख़वातीन को भी इन बातों से बहुत कुछ सीखना होगा। हम इंसान हैं आखिर, अनजाने में हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हमें एक दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बाला खातून, हमने एक साथ अच्छा वक्त भी गुजारा है। मैं चाहती हूं हम फिर से उसी तरह हो जाएं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माना के कुछ कड़वी बातें परेशान करती हैं, और उन कड़वी बातों को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें चाहिए कि उस वक्त को भुलाकर आगे बढ़ें। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह। मैं नहीं जानती कि यमन यहां कब तक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे अमन बर्बाद हो। जो एक कदम उठाएगा मैं उसकी तरफ दो कदम, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मुखलिस होना चाहिए। क्या बात है। ए मेरे भतीजे वयोजा, कुछ कहो, हम सुनना चाहते हैं। कोनिया के बारे में बताओ, तालीमी मदारिस कैसे हैं? बताओ हमें। मंगोलों के कदम कभी खुशाइन नहीं हो सकते। इल्म और हिकमत भी उससे मुतासिर होती है। यानी उलमा वहां से दूर होने लगे हैं। जी चाचा जान, लेकिन वो मशरक की तरफ नहीं मगरिब की तरफ जा रहे हैं। यानी सरहदों पर। सरहदों पर। भाईजान, उन उलमा को कायल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उलमा मदरसे चाहते हैं उस्मान साहब। मदरसे के लिए एक शहर चाहिए, और शहर के लिए रियासत चाहिए। रियासत चाहिए। हाँ, रियासत चाहिए। एक रियासत चाहिए। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुरू कीजिए, लीजिए शुरू कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदारों को पैगाम भिजवा दिया है और वो कल सोत पहुंच जाएंगे। क्या आप अपनी सरदारी का जश्न मनाना चाहते हैं? सरदारी का जश्न तो खत्म हो चुका। और अब तो एनागोल कला फतह करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चरकुताई आ रहा है। आ जाओ जयकुताई, आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम्हें यह कहना चाहिए था जयकुताई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रुक जाओ जयकुताई। ये तुम दरवाजे से अंदर आने से पहले कहोगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? इजाजत है? यहाँ आ जाओ। क्या तुमने कुछ खाया जयकुताई? भूख लगी है तुम्हें? जयकुताई भूखा नहीं रहता। ए माशाल्लाह। जयकुताई यहां आओ। जयकुताई क्या तुम्हारे मां बाप बहन भाई इनमें से कोई नहीं है क्या? वो मर गए।
क्या तुमने सारी जिंदगी जंग में गुजारी है? किसी से मोहब्बत नहीं है तुम्हें? जंगजुओं की मोहब्बत उनकी तलवारें होती हैं हुजूर। जय कुताए, सही कहा तुमने, जंगजू की मोहब्बत सिर्फ तलवारें होती हैं। लेकिन जय कुताए, मोहब्बत करना भी जरूरी होता है। किसी से खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करना और उसे चाहना महारत है जय कुताए। मैं चाहूंगा कि मैं खुद से ज्यादा किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करूं। मैं ये चाहूंगा। तुम अभी जवान हो जय कुताए, अभी जवान हो, तुम किसी से मोहब्बत कर सकते हो और तभी तुम्हें समझ आएगी कि ये कितनी बड़ी नेमत है जय कुताए। आपको अब जंग नहीं करनी चाहिए। वो क्यों? मेरा पूरा खानदान मर गया, आप नहीं मरना। जय खुदाए, अब तुमने मेरा दिल जला दिया है। जय खुदाए, मैं अल्लाह के हुक्म से पहले नहीं मर सकता। मैं तुम्हारी परवरिश भी करूंगा। मेरी बात गौर से सुनो। मैं अर्तुरुल साहब का वापसी था। अब तुम उस्मान साहब के बामसी बनोगे। उस्मान साहब के बामसी होगे तुम। क्या मेरी भी आपकी तरह लंबी दाढ़ी होगी? तुमने मुझे हंसा दिया, अल्लाह तुम्हें हंसता बसा रखे। मैं तैयार हूं हुजूर, मुझे भी कोई फरीजा सौंपे। क्या आप इनागोल फतह करने के लिए सरदारों की मदद मांग रहे हैं उस्मान साहब? ऐसा ही कर रहा हूं मेरे भाई, लेकिन एनागोल फतह करना आसान नहीं होगा, हरगिज नहीं। लेकिन उससे पहले मैं तैयारियों की जांच करूंगा। ठीक है, आपका फैसला ठीक ही होता है, लेकिन अगर उन्होंने साथ ना दिया तो? वो मेरे बाबा के शाना बशाना लड़ने वाले बहादुर हैं, हम उन्हें कायल करेंगे। जो नहीं आएंगे उनका क्या करेंगे? उन्हें इस मसले की अहमियत और उसके साथ
जिहाद के बारे में बताएंगे। आजादी और इंसाफ के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है, उन्हें हम बताएंगे। अगर जरूरी हुआ तो कर्मयानुलस जैसे अजीम सरदार के पास भी चलकर जाएंगे। ये मेरे बाबा की वसीयत है और मेरी अपनी ख्वाहिश भी। भाईजान, मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोलो मेरे भाई। उस निकोला काफिर से आप किसी महफूज जगह पर मिले, उसे कहिए कि मैं अमन चाहता हूं। क्या वो इसका यकीन करेगा? क्यों नहीं, उसे करना पड़ेगा। पिछली बार हमने उसके बहुत से सिपाही मारे थे, इसलिए वो खुद को बड़ी जंग में नहीं धकेलेगा। मेरे भाई, हम अमन क्यों चाहते हैं? मकसद पाने तक उसे लगाम डाल के रखना चाहता हूं। वो समझेगा कि वो हमें रोक रहा है, लेकिन उसी दौरान हम उसकी कब्र खोद रहे होंगे। मैं उससे बात करूंगा, फिक्र ना करो। क्या मेरे लिए कोई वजीफा है हुजूर? उस्मान के दिए गए हुक्म की तामील करना आसान नहीं है। पहले अपने वालदैन से इजाजत लेनी होगी। उसके बाद मुझसे कुछ पूछना। चलें, शुरू कीजिए।